मैं नदीम अकरम। सोशल मीडिया पर अफवाह का सोशा हर जगह छोड़ा जा रहा है, चाहे अफवाह के नाम पर लोगों की जान लेने की बात हो, चाहे अफवाह के नाम पर किसी को भी बदनाम करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या सोशल मीडिया पर अफवाह के नाम पर किसी मुस्लिम को किस तरीके से बदनाम किया जाता है, ये भी हम लोगों के सामने पूरी तरीके से साफ हो चुका है। ऐसा ही एक सोशा दोपहर में सोशल मीडिया पर फैला। इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक को मलेशिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो उन्हें भारत भेज रही है, जिसके बारे में जब तथ्य निकल करके सामने आए तो वो वाकई शर्मनाक थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि जाकिर नायक के पीछे जो सोशा छोड़ा गया, जो अफवाह फैलाई गई, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक को भारत में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। नायक अभी मलेशिया में पनाह लिए हुए हैं और भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है उन्हें भारत लाने की। लेकिन इन सब के बीच बुधवार 4 जून को अचानक मीडिया में ये खबर आने लगी कि जाकिर नायक बुधवार की रात किसी भी वक्त भारत लाए जा सकते हैं। मीडिया में जो खबरें आई थी उनमें कहा गया था कि मलेशिया सरकार ने जाकिर नायक को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अब किसी भी वक्त भारत भेजा जा सकता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद खुद नायक और उनके वकील ने इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जाकिर नायक ने सोशल मीडिया पर आकर के कहा कि मैं अभी भारत नहीं आऊंगा। मीडिया में आई खबरों के बाद जाकिर नायक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो अभी भारत नहीं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे भारत आने के बारे में जो खबरें चलाई जा रही हैं पूरी तरीके से गलत और आधारहीन है। जब तक भारत में मुझे निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा नहीं हो जाता, तब तक वापस भारत आने की मेरी कोई योजना नहीं है। जब मुझे ये महसूस होगा कि सरकार निष्पक्ष है, तब मैं निश्चित रूप से अपनी गृह जमीन पर आऊंगा। जब इस बारे में एनआईए से बात की गई तो एनआईए ने कहा कि हालांकि एनआईए के प्रवक्ता आलोक मित्तल ने कहा कि हमें इस खबर के बारे में कोई सूचना नहीं है कि जाकिर नायक को भारत कब लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें भी जांच में आ रही हैं कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने मलेशियाई सरकार से इस साल तक जाकिर नायक के प्रत्यर्पण की अपील की है। नायक को भारत वापस लाने के लिए राजनीतिक प्रवास भी किए जा रहे हैं। तो जाकिर नायक को लेकर के ये कोई पहली बार नहीं है जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इनको लेकर के काफी तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर हम और आप देखते ही रहते हैं और जाकिर नायक पर शिकंजा तब पड़ गया जब 2016 में बांग्लादेश में आतंकी हमला हुआ तो उसमें कई लोगों की जाने गई और आतंकवादी ढेर कर दिए गए थे। आतंकवादियों ने कहा कि वो जाकिर नायक से प्रेरणा लेते हैं। इस तरीके की जब बातें सामने आई तो बांग्लादेश सरकार ने तो नहीं पर भारत सरकार ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और उनकी जगह जगह हिंदुस्तान में जहां भी प्रॉपर्टी है उनको सील करना शुरू कर दिया। जब इस बारे में जानकारी जाकिर नायक को हुई तो जाकिर नायक ने भी साफ तौर पर कह दिया कि मैं भारत तभी आऊंगा जब मुझे निश्चित तौर पर भरोसा दिलाया जाएगा कि मेरे ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो सही है या गलत है। इसके बारे में जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जाकिर नायक से जुड़ी खबरों को देखने के लिए मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय देना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।